सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक ट्वीट से अब हंगामा मच गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। सपा प्रमुख ने अपने ट्वीट से बीजेपी पर निशाना साधा। पिछले दिनों नीति आयोग की प्रथम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में यूपी को देश के सबसे गरीब 3 राज्यों में रखा गया है। इसे सपा प्रमुख ने बीजेपी सरकार की नाकामी के तमगे के रूप में करार दिया है। अखिलेश यादव ने अपनी ट्वीट में लिखा कि बीजेपी के राज में नीति आयोग के प्रथम बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI में उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब 3 राज्यों में शामिल है। सबसे अधिक कुपोषण में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है तथा बाल व किशोर मृत्यु दर श्रेणी में पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे खराब स्थिति में है। ये बीजेपी सरकार की नाकामी के तमगे हैं। अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ने एक अखबार में छपी उस खबर की तस्वीर भी साझा की है। हालांकि उनके ट्वीट के बाद जब यूपी तक ने उनसे इस मुद्दे पर बात की तो वे योगी सरकार पर जमकर बरसे। सर, नीति आयोग की रिपोर्ट आ गई है, उत्तर प्रदेश सबसे निर्धन प्रदेश। मुझे लगता है नई सरकार बन रही है, नई सरकार ने जो आंकड़े छिपाए थे नीति आयोग ने आंकड़े बाहर कर दिए, क्योंकि चुनाव खत्म हो गया इसीलिए डीजल महंगा हो गया। चुनाव खत्म हो गया तो नीति आयोग ने भी फैसला सुना दिया कि आपका प्रदेश स्तर कहाँ पर स्टैंड करता है, आपका प्रदेश कहाँ स्टैंड करता है आंकड़ों में। तो ये तो नई सरकार की जिम्मेदारी होगी। हालांकि ये सरकार कंटिन्यूटी में है, अगर कंटिन्यूटी में सरकार है तो कम से कम नीति आयोग के जो आंकड़े हैं उसको सरकार को सोचना चाहिए कि इतने आंकड़े कैसे खराब है सरकार के। हालांकि अखिलेश के इस आरोप का जवाब देने की जिम्मेदारी बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने उठाई। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हुए। अखिलेश यादव जी, यह रिपोर्ट आपकी सरकार के कांटों को दर्शा रही है जिस पर चलकर प्रदेश का नागरिक गरीबी की ओर चल उठा था। इसके आगे सिंह ने कहा, ये डेटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 वर्ष 2015-16 का है, जबकि वर्तमान में 2020-21 की प्रारंभिक रिपोर्ट में गरीबी 15% घटी है। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।